युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री का वितरण। वार्ड 75 और 76 में युवा कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष समीर भटनागर व कार्यकर्ताओं ने बांटी राशन सामग्री। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष व वार्ड 76 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रहे समीर भटनागर के द्वारा वार्ड 75 और 76 में गरीब व्यवसाय लोगों को सूखी राशन सामग्री के किट बांटे जा रहे हैं। समीर भटनागर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण गरीब तबका व मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। इसके चलते वैश्विक महामारी में अजमेर युवा कांग्रेस की ओर से पिछले एक महीने से खाने के पैकेट्स व सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। अब तक हजारों किलोग्राम राशन सैकड़ों लोगों में बांटा जा चुका है। खाद्य सामग्री वितरण करते समय सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जाती है। इस अवसर पर एहसान कुरैशी, सीताराम सिंह, संजय भटनागर, विशाल सिंह, रजत माथुर, जफर आशमी, वाहिद खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज युवा कांग्रेस द्वारा पंचशील वार्ड नंबर 76 और 75 के अंदर युवा कांग्रेस द्वारा वार्ड के अंदर सूखे राशन की सामग्री जरूरतमंद लोगों को बांटी गई। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी देश में, प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है, इससे मध्यम वर्ग गरीब तबके को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देश में वैसे ही बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, गरीब तबके के पास में रोज कुआ खोद के कमाने वाले थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो उसको देखते हुए युवा कांग्रेस संगठन द्वारा जरूरतमंद लोगों की वार्ड नंबर 75 के अंदर उनका सहयोग करा गया है। और आगे भी अगर युवा कांग्रेस को ऐसा मौका मिलता रहेगा तो युवा कांग्रेस ऐसे गरीब तबके की, मजदूर वर्ग की, इनकी जरूरतमंद जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की सामग्री है, उसकी ज़रूरतें इनकी पूरी करती रहेगा। समय के लोग रहते हैं वैसे सर, देखिए इधर आपको मैं बताऊं, वार्ड नंबर 76 के अंदर जो पंचशील है, पंचशील के अंदर है ना, गणेशवाड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे मध्यम वर्ग, हाई क्लास के और मध्यम वर्ग से नीचे गरीब तबके के हर क्लास के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस स्थिति के अंदर सरकार तो अपनी तरफ से इनकी मदद कर ही रही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जरूरतमंद जो सक्षम लोग हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ के इसमें आना चाहिए। जो भामाशाह है उनको उनकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें, उस चीज़ की इनकी मदद करनी चाहिए। तो इससे क्या कि हाँ, एक तो देखिए भाईचारा अपनी जगह ठीक है, अभी आपको पता है महामारी देश के अंदर फैल रही है, लेकिन ये ऐसा समय है कि हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। इस समय ना कोई राजनीति करने का ये समय है। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि अभी राजनीति को थोड़ा बंद करके जरूरत की जो लोगों की चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उस चीज़ से इनकी मदद करें और अपने भाइयों का साथ दें। बहुत अच्छा लगा कि जो समीर भैया जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने राशन सामग्री बांटी है अभी, तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि भाई जिसके पास जितना हो, सब गरीबों को थोड़ा थोड़ा करके सब कोशिश करें कि इनको गरीबों को खाना बांटे या जो भी है, जितनी श्रद्धा हो वैसे काम करें। वैसे लॉकडाउन लगा पड़ा, गरीबी बहुत दिक्कत हो रही है गरीब लोगों को, तो काम धंधे है नहीं, सब लोग घरों में ही हैं, सब लोग घरों में ही हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। आज जो बता, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा काम करा समीर भैया ने, और मैं इनसे ये कहता रहूँगा कि आगे भी अगर जो इनका होता है तो और करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है।